नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर नंबर 3 अंडरस्टैंडिंग क्वाड्रिलेटरल्स। और इस चैप्टर को बहुत अच्छे से समझना, सारे लेक्चर इसके देखना, क्योंकि ये चैप्टर आपका 10th क्लास तक आके बहुत ज़्यादा यूजफुल है, काम आने वाला है। हर एक टर्म जो हम सीखेंगे वो आपकी नेक्स्ट क्लासेस के अंदर काम आएगी एज इट इज। तो पहले मैं आपको सारी की सारी बेसिक डेफिनेशन सब कुछ बताऊंगा, फिर हम क्वेश्चन के ऊपर आएंगे। देखो पहले आती है सिंपल कर्व एंड नॉन सिंपल कर्व्स। कोई भी एक नंबर का क्वेश्चन आपका पेपर में आएगा इसके ऊपर कि सिंपल कर्व्स क्या होती है, नॉन सिंपल कर्व्स क्या होती है, आपको डेफिनेशन पता होना चाहिए। सिंपल कर्व की डेफिनेशन होती है वो कर्व जो अपने आप में क्रॉस नहीं करती। क्रॉस नहीं करती का मतलब ये होता है, जैसे मान लो हम एट बनाते हैं, तो एट के लिए मान लो हमने ये कर्व बना दी, और फिर इसी कर्व को हमारे को देखो यहाँ से क्रॉस करना पड़ेगा, यहाँ पे क्रॉस कर गया ना, तो ऐसी कर्व जो बनाते वक्त अपने आप को क्रॉस नहीं करती। जैसे हम ये रेक्टेंगल बना दिया, ये कोई भी क्वाड्रिलेटर बना दी या सर्कल बना दिया, क्रॉस करने की जरूरत नहीं होती। लेकिन अगर हम देखो ये कर्व बना रहे हैं, ये ऐसे बनाएंगे, हम इस तरह से लेके जाएंगे, फिर ये कर्व का इस पार्ट को हम यहाँ पे क्या कर देंगे, क्रॉस कर देंगे। अगर क्रॉस हो गई तो वो कहलाएगी नॉन सिंपल कर्व, अगर क्रॉस नहीं हुई तो वो क्या कहलाएगी, सिंपल कर्व कहलाएगी। ठीक है, तो आप याद रख लो एट जो हम बनाते हैं वो क्या है, सिंपल नहीं है, वो नॉन सिंपल है। और ये ऐसी कर्व क्या होती है बच्चों, आपकी सिंपल कर्व होती है। तो इजी सी डेफिनेशन है ये, देखो ये सिंपल कर्व है क्योंकि कोई भी कर्व देखो एक दूसरे को क्रॉस नहीं करती, तो ये क्या कहलाती है, सारी की सारी सिंपल कर्व कहलाती है। और एग्जांपल देता हूं मैं आपको, ये देखो ये सिंपल कर्व है, ये कहीं पे भी एक दूसरे को ऐसे बनी हुई है, मान लो हम ऐसे बना देते हैं ये कर्व को इस तरह से, तो ये क्या सिंपल कर्व है क्योंकि क्रॉस नहीं किया मैंने, है ना। ये नॉन सिंपल है क्योंकि इसको बनाते वक्त मैंने क्या कर दिया, क्रॉस कर दिया। इसको क्या बोलते हैं, क्रॉसिंग पॉइंट बोलते हैं, क्रॉसिंग पॉइंट। तो एक क्रॉसिंग पॉइंट हमारे को मिल गया, इसका मतलब ये सिंपल कर्व नहीं है। और देखो एग्जाम्पल, ये सिंपल कर्व है सारी की सारी, और ये दोनों के दोनों क्या है, आपकी नॉन सिंपल कर्व है। अब इसके बाद आती है डेफिनेशन आपकी क्लोज्ड एंड नॉट क्लोज्ड कर्व। ये तो नाम से ही क्लियर है, क्लोज क्लोज का मतलब बंद है वो। जैसे हम सर्कल बनाते हैं, सर्कल हमेशा ही क्या होता है, क्लोज होता है। जैसे मान लो आपने धरती के ऊपर ईंटों से एक सर्कुलर शेप बना दी, और यहाँ पे एक कीड़ी है, एंट है, तो क्या वो एंट इसके अंदर एंटर कर पाएगी, बिल्कुल भी नहीं कर पाएगी। क्यों, क्योंकि कहीं से भी आपने इसको ओपन छोड़ा ही नहीं है। या आपने मान लो एक स्क्वेयर की शेप बना दी ऐसे, तो फिर इसके अंदर भी एंट अंदर नहीं जा पाएगी। तो ये भी क्या है, क्लोज्ड कर्व है। तो क्लोज्ड कर्व का मतलब क्या होता है, जहाँ से आपने किसी कर्व को बनाना स्टार्ट किया था ना, वहीं पर ख़त्म करना पड़ेगा, यानी कि उसका स्टार्टिंग पॉइंट और उसका जो एंड पॉइंट होता है वो दोनों क्या होते हैं बच्चों, सेम। जैसे सर्कल को मैंने मान लो इस पॉइंट से बनाना स्टार्ट किया, ध्यान से देखो, सर्कल को इस पॉइंट पे बनाना स्टार्ट किया और इसी पॉइंट पे आके मैं इसको खत्म कर रहा हूँ, तो ये कर्व कैसी कहलाएगी, आपकी क्लोज्ड कर्व कहलाएगी। देखो और मैं आपको बना के दिखाता हूँ, ये कर्व है। जैसे मान लो जरूरी नहीं है सर्कल को सर्कल ही बनाना है, ऐसे बना दो आप। कहने का मतलब है जिस पॉइंट से आपने स्टार्ट किया था ना, उसी पॉइंट पे आके आप उसको खत्म करोगे। ठीक है, ये डायग्राम बना रखा है। जैसे मान लो एट, एट को हमने यहाँ से स्टार्ट किया, एट को हमने बच्चों यहाँ से स्टार्ट किया और हम यहीं पे आके देखो खत्म करेंगे, मान लो यहाँ पे खत्म कर दिया, तो ये क्लोज्ड नहीं है। क्यों, क्योंकि इसका स्टार्टिंग पॉइंट तो ये था और एंड पॉइंट इसका ये है। ये तो क्या था बच्चों, इसका स्टार्टिंग पॉइंट था और ये क्या है, इसका एंड पॉइंट है, फिनिशिंग पॉइंट। तो इनके अंदर ये क्या है, कर्व क्लोज्ड नहीं है। लेकिन ये देख लो सारी की सारी क्या है, क्लोज्ड है ना। अब देखो नॉन क्लोज्ड के, ये भी क्लोज्ड कर्व है, अब ये भी क्लोज्ड कर्व है सारी की सारी। ठीक है, आप पेपर आपके नोटबुक में चार पांच क्लोज्ड कर्व की डायग्राम बना के देख लेना। ये नॉट क्लोज्ड है, देखो ओपन कर्व बोलते हैं इनको, है ना। ये देखो ओपन कर्व, यहाँ से स्टार्ट किया होगा, यहाँ पे खत्म किया, यहाँ से स्टार्ट किया मान लो यहाँ पे खत्म किया, या फिर इधर से स्टार्ट किया इधर खत्म किया, आपको खुद ही दिख रहा है ओपन है ये। अगर यहाँ पे हम कोई एंड छोड़ देंगे, कीड़ी छोड़ देंगे, तो वो इसके अंदर एंट्री कर जाएगी, इससे यहाँ से रास्ता मिल जाएगा, रास्ता मिल जाएगा, रास्ता मिलने का मतलब ये है। अच्छा, ये भी ओपन कर्व है, ये ओपन कर्व क्यों है, क्योंकि यहाँ से हमने स्टार्ट किया था, मान लो ए स्टार्टिंग पॉइंट है और बी क्या है, इसका एंड पॉइंट है, तो इसको भी हम क्या बोलेंगे, ओपन कर्व बोलेंगे। ठीक है, तो ये ओपन और क्लोज्ड कर्व की डेफिनेशन होती है। ये सब कुछ मैंने लिखा हुआ है, अब कुछ आपको फिगर दे रखी है, आपको मैच करना है इसके अंदर, कौन सी कर्व को किससे मैच करोगे। पहले तो आप मेरे को ना देख के ये बता दो, देखो इसमें क्या है, सिंपल है, क्लोज्ड है, ठीक है, सिंपल नॉन सिंपल और क्लोज्ड ओपन के बारे में बात है। ये कर्व आपको पहले दिख रही है, क्या ये क्लोज्ड है, आप कहोगे सर क्लोज्ड तो नहीं है, क्योंकि ये पॉइंट एक ये रहा एक ये रहा, यहाँ से कोई स्टार्ट किया आपने बनाना और यहाँ पे खत्म कर दिया, तो ये क्लोज्ड तो नहीं है। लेकिन क्या ये सिंपल है,
ये नॉट क्लोज्ड, क्या ये सिंपल है? आप कहोगे जी बिल्कुल सिंपल है, क्यों? क्योंकि ये कहीं पे भी एक दूसरे को क्रॉस नहीं कर रही, हमने यहाँ से बनाया, यहाँ से स्टार्ट किया। हाँ मैं इसको ऐसे कर देता तो ये क्या है, नॉट सिंपल है, क्यों? क्योंकि मैंने इसको क्रॉस करा दिया किस पॉइंट पर, इस पॉइंट के ऊपर। तो बताओ ये कैसी होगी, सिंपल बट नॉट क्लोज्ड। रटना नहीं आपको किसी भी चीज़ को, ठीक है? देखो सिंपल करो दैट इज नॉट क्लोज्ड, तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, सी। ये सी ऑप्शन से मैच करवा देना इसको, है ना, इस तरीके से मैच करवाना है आपको। अब देखो सेकंड, ये करो बताओ, ये क्लोज्ड है क्या? ये क्लोज्ड है, ये क्या है आपकी, क्लोज्ड है लेकिन सिंपल नहीं है, ये आपकी क्या है, मैंने आपको क्या बताया? हाँ ये देखो, ये सेकंड डायग्राम, ये आपकी सिंपल कर्व नहीं है, ये सिंपल कर्व क्यों नहीं है, सेकंड डायग्राम में कर रहा हूँ, सेकंड वाला, नॉट सिंपल। ये सिंपल क्यों नहीं है, क्योंकि ये एक दूसरे को क्या कर रही है, देखो यहाँ पे क्रॉस कर रही है ना, ये क्रॉसिंग पॉइंट मिल गया अपने को, क्या मिल गया बच्चों, यहाँ पे एक क्रॉसिंग पॉइंट मिल गया, क्रॉसिंग पॉइंट मिल गया, तो इसका मतलब ये सिंपल कर्व नहीं है, तो ये ऑप्शन डी आ जाएगा इसका, डी ऑप्शन आ गया। अब देखो थर्ड पार्ट, थर्ड पार्ट के अंदर आप क्या लिखोगे, ये देखो ये क्या है आपका, क्लोज्ड भी है और ये सिंपल भी है, ये क्या है आपकी, क्लोज्ड भी है और ये सिंपल भी है, तो देख लो कौन सी आएगी, सिंपल क्लोज्ड करो, आ गया ना ए ऑप्शन, ऑप्शन नंबर ए से इसको मैच करा देना, सिंपल क्लोज्ड करो। नेक्स्ट देखो फोर्थ, फोर्थ में कैसी दिख रही है आपको, क्या ये सिंपल है क्या, आप कहोगे जी सिंपल तो नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एक दूसरे को क्रॉस कर रही है, कहाँ से, इधर से, सिंपल तो नहीं है लेकिन क्लोज तो है ना, क्लोज तो है ये, क्योंकि आपने यहाँ से मान लो स्टार्ट किया होगा और इधर ही आपने इसको क्या कर दिया, फिनिश कर दिया, तो क्लोज है लेकिन सिंपल नहीं है, देखो क्लोज कर्व है लेकिन सिंपल नहीं है, तो ऑप्शन नंबर बी आएगा। तो चारों एग्जाम्पल देके मैंने आपको समझा दिया कैसे कैसे क्वेश्चन एक नंबर में पेपर में आ सकता है, ठीक है? ये हो गया। अब आता है सबसे इम्पोर्टेंट पॉलीगन, पॉलीगन आपका 10th क्लास तक काम आने वाला टॉपिक है, बहुत अच्छे से इसको समझना। पॉलीगन का सिंपल सा मतलब ये होता है कि एक तो कर्व जो हो ना वो क्लोज होनी चाहिए, और एक जो है ना वो लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होनी चाहिए, मतलब कि उसकी जो बाउंड्री है ना वो लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होनी चाहिए, उस शेप को या उस फिगर को, शेप कह लो या क्या कह लो बच्चों, फिगर कह लो, ये सारी की सारी डेफिनेशन एग्जाम्पल जो भी मैंने लिख रखे हैं ये सब अपनी नोटबुक में अच्छे से नोट कर लेना। पॉलीगन क्या होता है, एक क्लोज्ड शेप होनी चाहिए, सबसे पहले तो क्लोज्ड वर्ड पे ध्यान दो, और फिर वो लाइन सेगमेंट से मिलके बनी होनी चाहिए। जैसे मान लो मैंने एक ट्रैंगल बना दी, तो बताओ क्या ट्रैंगल पॉलीगन है? आप कहोगे सर है, क्योंकि ये क्लोज्ड भी है और इसकी जो साइड्स है ना ए बी सी, मान लो ये ए बी है, बी सी है और ए सी है, ये तीनों के तीनों क्या है बताओ, लाइन सेगमेंट है, यानी कि कोई कर्व नहीं है। लेकिन अगर मैं कह दूं सर्कल बताओ, आप कहोगे सर सर्कल क्लोज्ड तो है नो डाउट, लेकिन इसकी जो बाउंड्री है ना वो लाइन सेगमेंट से मिलके नहीं बनी है, वो पॉइंट से मिलके बनी है ना, कर्व है ये, तो ये आपकी क्या है, नॉट ए पॉलीगन, और ये क्या है आपकी बच्चों, पॉलीगन है, आसान सा टॉपिक है ये तो पॉलीगन। तो अब देखो ये आपकी क्या है, पॉलीगन है और ये आपका पॉलीगन नहीं है, ये सारे मैंने एग्जाम्पल लिख रखे हैं, आप अपनी नोटबुक में ऐसे कैसे नोट कर लेना। अब देखो नेम्स ऑफ पॉलीगन, पॉलीगन के जो है नेम्स, मैंने सारी कुछ आपको डिटेल के अंदर ये चीज़ें बताई हुई है, पॉलीगन के नाम जो होते हैं ना वो किसके बेस पे दिए जाते हैं, मतलब कि क्या हम देखें कि पॉलीगन का नाम बता दें उसकी नंबर ऑफ साइड्स को, एक पॉलीगन को बनाने के लिए हमें कितनी चाहिए मिनिमम साइड, तीन, क्योंकि तीन साइड के बिना, मान लो दो साइड है, इसके बिना आप पॉलीगन नहीं बना सकते तीन के बिना, क्यों? क्योंकि ये आप इसको क्लोज कैसे करोगे बताओ, ये तो क्लोज नहीं है ना, ये तो कैसी है, ओपन है, और ओपन तो पॉलीगन होता ही नहीं है, पॉलीगन तो क्या होता है, क्लोज्ड होता है, तो कम से कम आपको तीन साइड चाहिए, और ज्यादा के लिए कोई लिमिट नहीं है, मतलब कि 100 अगर साइड का पॉलीगन आप बनाना चाहो ना तब भी बना सकते हो, 1000 का बनाना चाहो तब भी बना सकते हो, ठीक है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है, लेकिन मिनिमम कितनी साइड चाहिए, तीन। तो ध्यान रखना क्वेश्चन पेपर में आ सकता है कि मिनिमम नंबर ऑफ साइड्स रिक्वायर्ड टू ड्रॉ ए पॉलीगन इज डैश, तो आप क्या लिखोगे उसमें, थ्री लिखोगे, ठीक है। अब देखो पॉलीगन का नाम कैसे देते हैं, कि एक ट्रेंगल है मान लो, एक क्वाड्रिलेटरल है, तो उसमें जितनी साइड्स होती है उसी के अकॉर्डिंग हम उसका नाम देते हैं, जैसे तीन साइड होगी तो उसको क्या बोलेंगे, ट्रेंगल, चार साइड होगी तो उसको क्या बोलेंगे, क्वाड्रिलेटरल। कई बच्चे समझ लेते हैं कि चार साइड वाले पॉलीगन को हमेशा हम स्क्वेयर बोलेंगे,
या चार साइड वाले पॉलीगन को हमेशा हम रेक्टेंगल बोलेंगे। एक बात बताओ, ये भी चार साइड है, इसमें भी चार साइड है, इनका कॉमन नेम क्या होता है? क्वाड्रिलेटरल होता है। स्क्वेयर रेक्टेंगल वगैरह तो इनके क्या होते हैं? स्पेशल नेम होते हैं। जैसे आपकी क्लास में मान लो 10 लड़के हैं बॉयज, उनका सबका कॉमन नेम क्या है? बॉय बॉय बॉय। फिर सबका क्या होता है? एक पर्टिकुलर स्पेशल नेम होता है, किसी का राहुल होता है, किसी का मान लो साकेत होता है, इस तरीके से। तो क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं हम किसको? चार साइड वाले को। ऐसे ही जितनी भी साइड के पॉलीगन होते हैं सबके ये नाम होते हैं। इस टेबल को स्टडी कर लो, ये देखो तीन साइड वाले पॉलीगन को क्या बोलेंगे? ट्रायंगल, शेप बना रखी है। चार वाले को क्वाड्रिलेटरल, पांच वाले को पेंटागन, छह वाले को हेक्सागन, सात वाले को हेप्टागन। बच्चे ना ये भूल जाते हैं, है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखो। हेप्टा इसको क्या बोलते हैं? हेप्टा। आठ वाले को ऑक्टागन, नौ वाले को नोनागन और दस वाले को क्या बोलते हैं? डेकागन। आगे मान लो 11 साइड वाला पॉलीगन होता है ना, उसका कोई स्पेशल नाम नहीं होता, इन सब का कॉमन नाम होता है क्या? पॉलीगन, पॉलीगन, ठीक है। या ऐसे बोल सकते हैं 11 साइडेड पॉलीगन, इसको क्या बोल सकते हैं? 11 साइडेड पॉलीगन, यानी कि 11 साइड वाला पॉलीगन, लेकिन इसका कोई नाम नहीं होता कि डेकागन है, नोनागन है, वो 10 तक ही होते हैं नाम, ठीक है। अच्छे से आपको इनको समझना है। अब देखो वेरियस पार्ट्स ऑफ ए पॉलीगन, एक पॉलीगन के अलग अलग पार्ट्स, जैसे साइड होती है, एंगल्स होते हैं, वर्टिसेस होते हैं, डायगनल्स होते हैं, मैं आपको सारी चीज़ें देखो सिखाता हूँ। जैसे मैंने ये एक क्वाड्रिलेटरल बना दी, क्या बना दी? एक क्वाड्रिलेटरल। इसमें ये बताओ इसकी साइड कौन कौन सी है? चार साइड होती है, कौन सी? ए बी, ये ए बी, फिर ये बी सी, फिर ये सी डी और फिर ये डी से लेके ए, है ना, ये डी से लेके ए, इनको तो क्या बोलते हैं? साइड्स बोलते हैं। एंगल कौन से होते हैं? ये वाले एंगल ए, फिर एंगल बी, एंगल सी, एंगल डी, और एंगल का सिंबल ये होता है, ठीक है, ऐसे ऐसे लगाते हो एंगल ए, इसको क्या पढ़ते हैं? एंगल ए। इसको क्या पढ़ेंगे? एंगल सी। इस तरह से पढ़ना है आपको, ठीक है, और लिखना इस तरह से है। वर्टिसेस कौन से होते हैं? जो किनारे कॉर्नर्स होते हैं, जो कॉर्नर्स, वर्टिसेस का मतलब क्या होता है? कॉर्नर्स। ये ए है, बी है, सी है, डी है, इनको क्या बोलते हैं बच्चों? कॉर्नर्स को वर्टिसेस बोलते हैं, ठीक है। एक वर्टेक्स होता है, वर्टेक्स, और एक वर्टिसेस होता है। बच्चे इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि ये अलग अलग है या सेम है। मैं कहता हूँ ये तो सिंगुलर वर्ड है और ये इसी का क्या है? प्लूरल है। यानी कि अगर मेरे को एक वर्टेक्स लिखना हो तो मैं लिखूंगा वर्टेक्स ए, अगर मेरे को दो लिखने हो तो मैं लिखूंगा वर्टिसेस ए बी सी डी ई, ऐसे, ठीक है, ये होता है। फिर होता है डायगनल। डायगनल आपको पता है इस क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगनल है? दो, एक तो ए से लेकर सी को ज्वाइन कर दो और एक बी से लेकर डी को ज्वाइन कर दो, ठीक है। इसके बारे में हम आज के लेक्चर में डिटेल्स में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में, कि किसी भी पॉलीगन के डायगनल कैसे हम ड्रॉ करते हैं, कितने डायगनल होते हैं, पेपर में क्वेश्चन इसके ऊपर आता है 100%। अब ये देखो ट्रायंगल का एग्जांपल दे दिया, ये मैंने सब कुछ लिख दिया। ये प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, ट्रायंगल में कोई डायगनल नहीं होता। बताओ कहाँ पे ड्रॉ करोगे डायगनल? ऐसे थोड़े कि बी से लेके इधर ड्रॉ कर दोगे, ठीक है। वर्टिसेस को ज्वाइन करना होता है तब डायगनल बनता है, लेकिन वो भी कौन से? नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस, यानी कि ये बी और सी को नहीं ज्वाइन कर सकते। बी को किसी और से ज्वाइन करो, या तो सी को करना पड़ेगा या ए से, लेकिन बी से सी तो क्या बन रही है? तो साइड बन रही है ना, और ये भी क्या बन रही है? साइड, और ये भी क्या है? साइड। तो फिर डायगनल कहाँ बनेगा? बनेगा ही नहीं। तो एक ट्रायंगल के अंदर कोई डायगनल नहीं होता, ध्यान रखना इस चीज़ का। अब बात आती है सबसे इम्पोर्टेंट फैक्ट, इसमें किसी भी पॉलीगन में आप देखोगे ना, जितनी उसकी साइड होती है उतने ही उसके एंगल होते हैं और उतने ही उसमें वर्टिसेस होते हैं, समझ गए। जैसे मान लो एक ट्रायंगल बना दी मैंने ए बी सी, इसमें कितने वर्टिसेस है बताओ? एक दो तीन, तीन है ना। साइड्स कितनी है? साइड्स भी आप कहोगे जी तीन है। एंगल्स कितने हैं? आप कहोगे जी एंगल्स भी कितने हैं? तीन है। ये तीनों चीज़ें क्या होती है? इक्वल होती है, ध्यान रखना। लेकिन डायगनल जो होते हैं ना वो इन सब से अलग होते हैं। कई बार बच्चे ये समझ लेते हैं कि डायगनल भी तीन होते हैं, बताओ कहाँ है? ट्रायंगल में तो एक भी डायगनल नहीं होता। क्वाड्रिलेटरल में साइड तो कितनी होती है? चार, लेकिन डायगनल कितने होते हैं? सिर्फ दो। तो डायगनल का इनसे कोई रिश्ता नहीं है, इनका तीनों का आपस में एक जैसा रिलेशन है, ठीक है। जितने वर्टेक्स उतने ही साइड, उतने ही एंगल्स। अब देख लो मैंने यहाँ पे, मैं आपको ये बता देता हूँ। और अब बात आती है क्या डायगनल्स ऑफ ए पॉलीगन, एक पॉलीगन के कितने डायगनल्स होते हैं, कैसे कैसे होते हैं, बनाते कैसे हैं डायगनल को, पहले डेफिनेशन देख लो।
डायगनल क्या होता है, देखो एक लाइन सेगमेंट ही होती है। मैं मान लो एक क्वाड्रिलेटरल बना देता हूँ, मैंने क्या बना दी बच्चों, ये फोर साइडेड फिगर बना दी। अब इसके डायगनल कैसे होते हैं, देखो ये नाम दे दो इनके, ए बी सी डी। इस ए और बी को पता है क्या बोलते हैं, ये ए और बी आपके कंजुगेटिव वर्टिसेज होते हैं। कंजुगेटिव का मतलब होता है जो लगातार आते हैं, जैसे ए के बाद बी आता है, बी के बाद सी आता है, सी के बाद डी आता है, ठीक है, इस तरह से। तो इन कंजुगेटिव वर्टिसेज को आपको मिलाना नहीं है, नॉन कंजुगेटिव को मिलाना है। नॉन कंजुगेटिव कौन कौन से, देखो ए से बी को नहीं मिला सकते आप, क्यों नहीं मिला सकते, अगर आपने ए से बी को मिला दिया तो ये तो क्या बन जाएगी आपकी साइड बन जाएगी। तो साइड और डायगनल तो अलग अलग होते हैं, ए को किससे मिला सकते हो बताओ आप, ए को आप मिला सकते हो किससे, सी से। अब बताओ क्या ए को डी से मिला सकते हो, ए को डी से मिलाओगे तो फिर क्या मिलेगी आपको, साइड मिलेगी। यानी कि ए को हम सिर्फ ए की वर्टेक्स से मिला सकते हैं, किससे, सी से। तो ये क्या बन गया आपका, ए सी डायगनल बन गया, है ना। फिर बी को देखो, बी को आप ना तो सी से मिला सकते, बी को आप मिला सकते हो किससे, डी से। तो नॉन कंजुगेटिव वर्टिसेस को मिलाने से जो लाइन सेगमेंट बनता है उसको क्या बोलते हैं हम, डायगनल बोलते हैं, ठीक है। ये सारा कुछ मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है। अब मैं आपको बताता हूँ, ये मान लो पॉलीगन है, ये ए और बी क्या है इसके कंजुगेटिव वर्टिसेस है, ऐसे ही बी और सी, सी और डी, डी और ए। कंजुगेटिव वर्टिसेस कौन से होते हैं आप लिख लो, कंजुगेटिव वर्टिसेस, कंजुगेटिव वर्टिसेस वो होते हैं जिनको ज्वाइन करने से साइड बनती है, जिनको ज्वाइन करने से साइड बनती है। बस सिंपल लैंग्वेज में मैंने आपको समझा दिया कि चिन को ज्वाइन करने से साइड बनती है ना, उनको क्या बोलते हैं बच्चों, कंजुगेटिव बोलते हैं। बाकी सारे क्या है आपके, नॉन कंजुगेटिव है। बाकी सारे क्या है, नॉन कंजुगेटिव है। जैसे ए और सी नॉन कंजुगेटिव है, बी और डी क्या है आपके, नॉन कंजुगेटिव है। तो इसको ज्वाइन करोगे तो ये डायगनल बन जाएगा, इसको ज्वाइन करोगे तो ये आपका डायगनल बन जाएगा, हो गया ये। अब देखो, अब ये तो बात थी किसकी, क्वाड्रिलेटरल की। क्वाड्रिलेटरल तो बच्चा बचपन से ही पढ़ता आता है कि उसके कितने डायगोनल होते हैं, दो। लेकिन मैं कहता हूँ अब क्वाड्रिलेटरल से ऊपर, हमने तो पॉलीगन पढ़ लिया ना, पांच साइड वाला, छह साइड वाला, सात साइड वाला, इनके डायगोनल कैसे ज्वाइन करेंगे, कितने होते हैं। अगर पेपर में पूछ ले कि पेंटागन के कितने डायगोनल होते हैं, तो मैं आपको आसान तरीका बताऊंगा आज, बिल्कुल आसान, ठीक है। ये मैंने एक डायग्राम बना रखा है, इसके डायगोनल भी ज्वाइन कर रखे हैं अंदर मैंने, ठीक है। ये आप एच डीज अपनी नोटबुक में नोट कर लेना, मैं पहले आपको अब खुद करके दिखाता हूँ। ये मान लो ये है, ये क्या है आपका बच्चों, एक पेंटागन है, पांच साइड है इसकी। आप क्या करना, अपनी नोटबुक के अंदर वो पीछे वाला तो लिखना ही लिखना है, अब खुद की प्रैक्टिस के लिए आप ये डायग्राम बना लो, इनको नाम दे दो ए बी सी डी ई। आज मैं आपको ऐसा मेथड बताऊंगा कि एक भी डायगनल आपका ना छूटेगा नहीं, यानी कि 100% जितने डायगनल ड्रॉ करने हैं ना, आप उतने ही 100% करोगे। पहले आप है ना ए से स्टार्ट करो, आप किससे स्टार्ट करो, ए से, स्टार्ट विद ए या स्टार्ट फ्रॉम ए, एक ही बात है। ए से स्टार्ट करो, ए को है ना जहाँ जहाँ आप ज्वाइन कर सकते हो ना वहाँ कर दो। आप कहोगे सर ए को बी से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन मैंने क्या कहा था, अगर ए को बी से ज्वाइन कर दिया तो वो तो साइड बन जाएगी इसकी, साइड तो हमें लेनी नहीं, हमें क्या निकालने हैं इसके डायगनल्स। तो फिर बताओ क्या ए को ज्वाइन करोगे बी से, नहीं करेंगे, ये तो पहले ही ज्वाइन हो रखा है। ए को किससे कर सकते हैं, सी से, देखो आपको अपने आप ही पता लग जाएगा। ए को किससे ज्वाइन कर सकते हो, सी से, कर दिया। और किससे ज्वाइन कर सकते हो, ए को डी से, डी से भी कर दो। जिस जिस से ज्वाइन कर सकते हैं ना उससे कर दो बस, ठीक है, ये कर दिया। अब और बताओ, ए बी गया, सी गया, डी गया, ई और बच गया, क्या ए को ई से ज्वाइन कर सकते हो, लेकिन करेंगे तो क्या मिलेगी अपने को, साइड मिलेगी। तो दो डायगनल हो गए, कौन से बताओ, ए से लेके सी और फिर ए से लेके डी, दो डायगनल आ गए। मैं सारे बताऊंगा आपको, ठीक है। फिर आ जाओ किससे, बी से, नाउ विद बी। अब बी से स्टार्ट करो, बी को देखो किस किस से ज्वाइन कर सकते हो, क्या बी को सी से कर सकते हो, क्या पीछे नहीं जाना आपको, ठीक है, आगे जाना है। बी से आगे क्या होता है, सी, सी से करने का कोई फायदा है, क्योंकि वो तो क्या देगा अपने को, साइड देगा। बी को डी से कर सकते हैं, आप कहोगे जी बिल्कुल कर सकते हैं, बी को डी से कर सकते हैं, तो बी को डी से कर दो, ये लोग कर दिया। फिर बी को ई से कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं, देखो बी को ई से कर सकते हैं ना। तो दो डायगनल मिल गए अपने को, कौन से, बी से लेके डी और बी से लेके ई, ये मैंने पर्पल कलर में बना दिए। अब ये भी खत्म, अब तीसरा कौन सा रह गया बताओ आप मेरे को, तीसरा अपना ए ले लिया, बी ले लिया, अब सी से स्टार्ट करें,
अब करो किससे बच्चों स्टार्ट, सी से, ए से कर लिया, बी से कर लिया, है ना, अब किससे करेंगे सी से। सी को किससे ज्वाइन कर सकते हो, मैंने कहा पीछे नहीं जाना, यानी कि सी से पीछे बी आता है, ए आता है, उस पर नहीं जाना, ठीक है, आगे जाओ। क्या सी को डी से ज्वाइन कर सकते हैं, लेकिन उससे तो साइड मिलेगी अपने को, छोड़ दो। क्या सी को ई से कर सकते हैं, क्या आप कहोगे जी बिल्कुल कर सकते हो, तो देखो मैंने कर दिया, कौन सा डायगनल मिला अपने को, ई से लेके सी, अब और किसी से नहीं कर सकते, ठीक है, क्योंकि ई क्या है, लास्ट पॉइंट है, पीछे जाना ही नहीं आपको। टी पे देखना, टी से पीछे तो आपको जाना ही नहीं, आगे जाना है, टी से आगे तो सिर्फ एक ही पॉइंट है, और उसको ज्वाइन करने से क्या मिलेगी, साइड मिलेगी। ई पे जा ही नहीं सकते, क्यों, क्योंकि ई से आगे तो कोई पॉइंट ही नहीं है। इसका मतलब ये सारे के सारे डायगनल बन गए, ठीक है, कितने डायगनल हो गए टोटल आप बता सकते हो, दो ये और एक ये, कितना हो गया, ये पांच डायगनल है, ए सी, ए डी, बी डी, बी ई और सी ई, है ना, ये पांच क्या हो गए बच्चों, डायगनल। अगर आपसे कोई आज के बाद पूछ ले कि पेंटागन के कितने डायगनल होते हैं, तो पांच होते हैं, आपको जब मैं बना के दिखा रहा हूँ ना यहाँ पे, तो आपको हमेशा क्या रहेगा, याद रहेगा, ठीक है। अब आप सोचोगे सर पेंटागन की नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, या पहले तो नंबर ऑफ वर्टिसेस बताओ, पेंटागन के कितने होते हैं, पांच, ए बी सी डी ई, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, पांच, नंबर ऑफ आपके एंगल्स कितने होते हैं, पांच, ये तो तीनों इक्वल होते ही हैं, नो डाउट, है ना, ये तो हर एक में होते हैं इक्वल, लेकिन यहाँ पे एक खास बात पता है क्या होगी, इसमें डायगनल भी पांच ही आ गए, इसमें बच्चों डायगनल भी क्या आ गए, पांच आ गए, लेकिन लेकिन सुनो ध्यान से, ये पांच पांच आए हैं और ये भी पांच आ गए, इसका मतलब ये मत समझना आप कि हर एक उसके अंदर ऐसा ही होगा कि हेक्सागन बनाएंगे तो उसके छह डायगनल आएंगे। जैसे क्वाड्रिलेटरल है, बताओ क्वाड्रिलेटरल के अंदर जो वर्टेक्स होते हैं वो कितने होते हैं, आपके चार होते हैं ना, लेकिन डायगनल्स कितने होते हैं, सिर्फ दो होते हैं। तो आप ये तो समझ गए कि इनमें ऐसा तो रिलेशन नहीं है कि ये भी इक्वल हो, ये तो क्या हो गया, एक्सेप्शन, इसको क्या बोलते हैं, एक्सेप्शन, एक्सेप्शन का मतलब होता है अपवाद, अपवाद का मतलब होता है जैसे मान लो आप चार भाई बहन हो, ए बी सी डी, चारों में से तीन जो है ना बिल्कुल नालायक है, बिल्कुल डल से डल बच्चा जो होता है, आप जो है ना अपनी क्लास के मास्टर आदमी हो, यानी कि सुपर इंटेलिजेंट बच्चे हो, तो आपको क्या कहा जाएगा, आप अपने चारों भाई बहन में अपवाद हो, एक्सेप्शन हो, ठीक है, यानी कि वो बाकी एक जैसे हैं और आप उसमें सबसे अलग हो। तो ये जितनी भी पॉलीगन होती है उसमें एक्सेप्शन कौन होता है, पेंटागन, क्योंकि इसमें ये निकल के आता है रिजल्ट कि जितने वर्टेक्स उतनी साइड उतने एंगल, लेकिन डायगनल भी पांच ही होते हैं, ठीक है। अब देखो मैं आपको आगे डायग्राम बना के दिखाता हूँ हेक्सागन का, हाउ टू ड्रॉ ऑल डायगनल्स ऑफ ए हेक्सागन। देखो आप अपने हाथ से ड्रॉ कर लोगे ना, पेपर के अंदर जब क्वेश्चन आएगा तो उसमें कितने डायगनल होते हैं ये पूछा जाएगा, एक नंबर में आप बहुत आसानी से बना दोगे, ठीक है। ए से स्टार्ट करें, पहले मैंने कहा था ए से स्टार्ट किया करो, ए से स्टार्ट करके देखो कहाँ कहाँ जा सकते हैं, ए से सी पे, फिर ए से कहाँ पे जा सकते हैं हम, डी पे जा सकते हैं, और ए से कहाँ पे जा सकते हैं हम, ई पे जा सकते हैं। देखो ए से मैंने लिया, ए से सी, ए से डी और ए से ई, तीन डायगनल बन गए। अब किससे स्टार्ट करें, बी से, बी से देखो बी से सी तो ज्वाइन कर नहीं सकते, बी से किसको ज्वाइन कर दें, डी को, बी से डी को कर दिया, और फिर बी को किससे करें, ई से, और फिर बी को किससे करें, एफ से। देखो बी को किससे किया आपने, डी से किया, बी को आपने ई से किया, और बी को एफ से। आप अपनी नोटबुक में भी अलग अलग कलर से यूज कर लेना, ठीक है, आपको अच्छा लगेगा। अब देखो अब हम क्या करेंगे बच्चों, ये हो गया पर्पल कलर लेते हैं, अब सी, सी को डी से नहीं कर सकते, सी को ई से कर दो, बड़ा आप जो है ना पेज लेके और बड़ा डायग्राम बना लेना और फिर अलग अलग स्केच यूज कर लेना, सी को ई से करो और सी को देखो एफ से भी कर सकते हैं ना, सी को एफ से भी कर सकते हैं, फिर डी, डी पे आओ, डी को किससे करें, देखो डी को ई से तो कर नहीं सकते लेकिन डी को एफ से जरूर कर सकते हैं, क्या करो बच्चों डी को एफ से ज्वाइन कर दो, डी को एफ से देखो ज्वाइन कर सकते हो आप, है ना, बन गया ना, डी से एफ को, और किससे करें आप, और किससे करोगे, ई पे आओ, ई के आगे तो एफ ही है और एफ से साइड बन रही है, एफ को लेना ही नहीं, लास्ट वाले वर्टेक्स को लेना ही नहीं है। तो बताना ये टोटल कितने डायगनल बन गए, एक दो तीन छः और दो आठ और एक नौ, टोटल कितने डायगनल बन गए आपके, नाइन डायगनल्स। तो ऐसा कोई रिलेशन नहीं है ना कि इसमें छः है तो डायगनल भी कितने होंगे, छः होंगे। तो
अगर आपको पूछ रहे कि हेक्सागन के कितने डायगनल होते हैं तो आपको याद रखना है कितना, 9 होते हैं, ठीक है। तो बताओ ट्रायंगल में कितने होते हैं, ये मैंने शेप लिख दी और ये लिख दिया मैंने नंबर ऑफ डायगनल्स, आप कहोगे जी 0। क्वाड्रिलेटरल में कितने होते हैं, तो पेंटागन में जो अपवाद था एक्सेप्शन था उसमें कितने होते हैं, 5, और हेक्सागन में कितने होते हैं, 9। अगर आप ये बना के नहीं देखोगे ना तो आपको कभी याद नहीं रहेगा, लेकिन दो बार डायग्राम आपने हाथ से बना लोगे ना आपको हमेशा लाइफ रहेगा, लाइफ में याद रहेगा कि हेक्सागन के 9 डायगनल होते हैं, ठीक है। ये सारा मैंने आपको बता दिया, ये हो गया। ये मैंने टेबल बना दी जो अभी मैंने पीछे लिखी है कि पॉलीगन का नाम क्या है और उसमें कितने डायगनल होते हैं, ये एग्जाम में पूछा जा सकता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है फॉर एग्जाम। और कितने नंबर में क्वेश्चन आता है, ये 1 नंबर में आता है आपका, 1 नंबर आपका पक्का हो जाएगा। अब ये देखो इसमें कहता है हाउ टू फाइंड नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ एनी पॉलीगन यूजिंग फॉर्मूला। अब ये तो हमने 6 साइड तक पढ़े है ना, हेक्सागन तक पढ़े। आप कह दो सर अगर मान लो एक ऐसा हम पॉलीगन बना दें साइड बहुत ज़्यादा हो, 10 हो, तो फिर अगर हम इस तरीके से डायगनल ड्रॉ करने लगे तो हमारा मतलब कि 1 घंटा निकल जाएगा पूरा, है ना, या 10 की जगह साइड 50 आ जाए तो फिर हम कैसे करेंगे, ये तो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा कि डायगनल ड्रॉ कर करके देखो और फिर उससे नहीं कोई सॉल्यूशन निकलेगा। तो मैं कहता हूँ मैं आपको आज एक ऐसा फॉर्मूला बताऊंगा कि चाहे कितनी भी साइड आपको दे रखी हो और आपको ये पूछ ले कि इसके डायगनल कितने होंगे, आप बहुत आराम से निकाल पाओगे, ठीक है। लेट कर लो आप नंबर ऑफ साइड्स, इसको एन मान लो, एन का मतलब नंबर ऑफ साइड्स कुछ भी हो सकती है, 3 से लेके 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 कितनी भी हो सकती है, तो इसके नंबर ऑफ डायगनल्स कितने होंगे, ये फॉर्मूला नोट कर लेना। एन एन की मल्टीप्लाई करनी है n-3 से और अपॉन में करना है 2। क्या होती है बच्चों, एन इंटू n-3 अपॉन में क्या होता है, 2, ये फॉर्मूला होता है। यानी कि जितनी भी साइड है, फॉर एग्जाम्पल हम क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, ठीक है, क्वाड्रिलेटरल लेते हैं, क्वाड्रिलेटरल में एन कितनी होती है बताओ, नंबर ऑफ साइड्स कितनी होती है, 4 होती है ना, एन कितनी होती है, 4, तो नंबर ऑफ डायगनल्स पता है कितने होंगे, नंबर ऑफ डायगनल्स, फॉर्मूला क्या होता है देखो, एन इंटू n-3 डिवाइड बाय 2, एन कितना, 4 इंटू 4-3 अपॉन में 2, 4 में से 3 गया कितना होता है 1, 4 1 जा कितना होता है 4, और 4 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आ गया 2। और बताना एक क्वाड्रिलेटरल में कितने डायगनल होते हैं, 2 ही तो होते हैं फॉर्मूले से निकल के ना। अब मैं आपको सारे निकाल के दिखाता हूँ, देखो फाइंड द नंबर ऑफ डायगनल्स ऑफ ए पॉलीगन विद 4 साइड्स, साइड कितनी है 4, यानी कि एन की वैल्यू कितनी है बताओ 4, तो आप यहाँ पे लिखो नंबर ऑफ डायगनल्स, फॉर्मूला लिखो एन इंटू n-3 डिवाइड बाय 2, एन की जगह लिखो 4 और 4-3, जहां जहां एन है ना उसको 4 लिख दो बस, 4 में से 3 गया 1 और 4 को 2 से डिवाइड करोगे कितना आंसर आ गया आपका, 2 आ गया, खत्म क्वेश्चन। अब देखो ये 5 साइड वाला आ गया, इसका सॉल्यूशन करते हैं, एन कितना है बताओ 5 है, नंबर ऑफ डायगनल बता दो आप मेरे को, नंबर ऑफ डायगनल्स कितने होते हैं बताओ, एन इंटू n-3 डिवाइड बाय 2, फॉर्मूला हर बार लिखो याद हो जाएगा, एन कितना 5 इंटू 5 में से 3 माइनस कर दो अपॉन में क्या कर दो 2, 5 में से 3 माइनस करोगे 2 आ गया, 5 2 जा 10, 10 को 2 से डिवाइड करोगे, 2 से 2 काट दो आंसर कितना आ गया 5, और पेंटागन में कितने डायगनल होते हैं, 5 ही होते हैं ना, वही 5 मैंने निकाल के दिखा दिया। अब थर्ड एग्जाम्पल में ये क्या आ गया आपका, 6 साइड, यानी कि हेक्सागन, 6 साइड वाली फिगर को क्या बोलते हैं, हेक्सागन, तो एन कितना है बताओ 6, तो नंबर ऑफ डायगनल्स की अगर बात करें आप बताओ, फॉर्मूला लिखो पहले एन इंटू n-3 बाय 2, फिक्स है फॉर्मूला हर एक के लिए, ठीक है, एन कितना 6, अंदर 6-3 डिवाइड बाय 2, 6 में से 3 गया 3, 6 3 जा कितना होता है 18, और 18 को 2 से डिवाइड करोगे 9, और आप खुद सोचो हेक्सागन के कितने डायगनल होते थे, 9, फॉर्मूले से कितने आए 9, यानी कि हमारा फॉर्मूला सही है। आपको ट्रिक क्या याद करनी है, जितनी साइड है उतनी लिख दो, 6 साइड है 6 लिख दो, है ना, फिर उसके बाद उसमें से 3 कम करके लिख दो, 6 में से 3 माइनस करके लिख दो और उसको 2 से क्या कर दो डिवाइड, ठीक है, याद रखने का आसान तरीका है ये। अब देखो फोर्थ, 7 साइड वाले का भी आ सकता है, 7 साइड वाले का, ठीक है, एन कितना बताओ 7, तो मैंने क्या बताया था
जितनी साइड है उतनी लिख दो, इसमें से 3 माइनस कर दो, 7 में से 3 माइनस करोगे कितने 4, और नीचे क्या लिख दो 2, 28 को 2 से डिवाइड करोगे 14 डायगनल्स आएंगे। ठीक है, कितने डायगनल आएंगे बच्चों, 14 आएंगे। आप चाहे ड्रॉ करके देख लेना फिगर, 14 ही आएंगे उसमें। 8 साइड वाले में बताओ नंबर ऑफ डायगनल, अब सीधा बताओ मेरे को नंबर ऑफ डायगनल्स। फॉर्मूला होता है एन इंटू एन माइनस 3 डिवाइड बाई 2, एन की जगह कितना पुट करोगे आप 8, 8 इंटू, और 8 में से 3 क्या करोगे माइनस, 8 में से 3 माइनस करोगे 5, ये 4 पे कटेगा, और 4 5 जा कितना होता है 20। ऑक्टागन के अंदर 8 साइड या फिर क्या पूछ ले आपका, ऑक्टागन में कितने डायगनल होते हैं, कितने डायगनल होते हैं 20 होते हैं। ठीक है, ऐसे ही आपका 9 साइड वाला पूछ ले, डायरेक्ट लिख दूँ 9 लिख दो, 9 में से 3 माइनस करो और 2 से क्या करो डिवाइड, तो ये कितने आ जाएंगे आपके 27 आ जाएंगे। फिर उसके बाद आपसे पूछ सकता है 10 साइड वाले का, क्या तरीका बताया, 10 लिख दो, 10 में से 3 माइनस कर दो और 2 से क्या कर दो डिवाइड, 5 पे कट गया, 5 7 जा 35। अब आप समझ गए, कितनी भी साइड आपको दे रखी हो उतनी साइड लिख दो, उसमें से 3 कम कर दो और 2 से डिवाइड कर दो, बस यही डायगनल होते हैं। अब ये देखो, ये बिल्कुल आसान सा एक टॉपिक है आपका, इंटीरियर एंड एक्सटीरियर ऑफ ए पॉलीगन। किसी भी पॉलीगन का इंटीरियर क्या होता है, एक्सटीरियर क्या होता है। इंटीरियर का मतलब होता है उसका अंदर वाला हिस्सा, अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में बात करूं तो, और एक्सटीरियर का मतलब होता है बाहर वाला हिस्सा, बाहर वाला हिस्सा। जैसे ये एक पॉलीगन है, ठीक है, ये इसके जो अंदर वाला हिस्सा है पिंक कलर में, इसको इंटीरियर बोलते हैं, और जो इसके बाहर है, जैसे ये पॉइंट यहाँ पे है ए, ये पॉइंट यहाँ पे है, तो ये ए और बी पॉइंट कहाँ कहलाएंगे पता है, इसके एक्सटीरियर पॉइंट है, इसको क्या बोलते हैं, इसके एक्सटीरियर पॉइंट्स है। क्यों, क्योंकि ये इसके एक्सटीरियर में लाई करते हैं। लेकिन मैं कह दूँ ये पॉइंट एक सी यहाँ पे है, सी पता है क्या कहलाएगा, इसका इंटीरियर पॉइंट कहलाएगा, क्या कहलाएगा इंटीरियर पॉइंट। क्यों, क्योंकि सी इस जो पॉलीगन है इसके अंदर है, तो ये मैंने लिख रखा है इंटीरियर क्या होता है एक्सटीरियर क्या होता है। आपकी बुक में जो डायग्राम दे रखा है वो ये दे रखा है, जो ग्रे कलर से शेडेड रीजन है ना, ग्रे कलर में जो शेडेड रीजन है वो दिखाता है इंटीरियर या एक्सटीरियर को। जैसे ये अंदर किया हुआ है, ये इंटीरियर है, ये ग्रे कलर में बाहर है, इस पॉलीगन से बाहर, ठीक है, ये क्या है इसका एक्सटीरियर है, ये इसने दिखाया हुआ है। अब देखो, इस इंटीरियर एक्सटीरियर के ऊपर मैंने इसलिए डेफिनेशन आपको बताई ताकि एक इम्पोर्टेंट चीज़ हम डिस्कस कर सकें, कन्वेक्स एंड कनकेव पॉलीगन। इसको क्या बोलते हैं, कन्वेक्स, इसको बोलते हैं कॉनकेव, कॉनकेव बोलते हैं वैसे, ठीक है, कॉनकेव पॉलीगन्स। पॉलीगन तो हमने बहुत सारे पढ़े, कोई आपका क्वाड्रिलेटरल है, कोई ट्रायंगल है, कोई पेंटागन है, कोई रेगुलर आपका हेक्सागन है, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कन्वेक्स पॉलीगन क्या होता है और कनकेव पॉलीगन क्या होता है। ये डिपेंड करता है किस पे, अब लिख लो, डायगनल्स को देखकर, डायगनल्स को देखकर पता लगता है, यानी कि डायगनल्स को देख के आपको पता लगेगा कि वो पॉलीगन कन्वेक्स है या फिर कॉनकेव है। अब आप पूछोगे कि सर कॉन्वेक्स में फिर कैसे पता करें हम, यानी कि कैसे डायगनल को देखना है कि हमें पता लग जाए कि वो कॉन्वेक्स है या फिर कॉनकेव है। मैं कहता हूँ आप किसी पॉलीगन के सारे डायगनल ड्रॉ कर लो, पॉलीगन आपको बनाए क्वेश्चन में गिवन मिलेगा, आपको क्वेश्चन पेपर में ये कह देगा बताओ ये पॉलीगन कॉन्वेक्स है कि कनकेव है, आप इसके डायगनल ड्रॉ कर लो, देखो एक और ये दो कर दिए, ये बताओ आपने जो डायगनल ड्रॉ किए हैं क्या ये पॉलीगन से बाहर गए हैं क्या, मतलब कि क्या ये पॉलीगन के एक्सटीरियर में गए हैं। आप कहोगे नहीं, ये तो अंदर ही बैठे हैं इसके, है ना, तो अगर सारे के सारे डायगनल इसके इंटीरियर में लाई करते हैं तो इसको क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स। ये कैसा पॉलीगन है बच्चों, कॉन्वेक्स। क्यों, क्योंकि इसके दोनों डायगनल जो होते हैं ना वो किस में है, इसके इंटीरियर में है, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं कॉन्वेक्स। कॉन्वेक्स में क्या होते हैं डायगनल इंटीरियर में होते हैं, और कॉनकेव में क्या होते हैं डायगनल एक्सटीरियर में, लेकिन सारे एक्सटीरियर में नहीं होते, कम से कम एक एक्सटीरियर में होगा, कम से कम एक तो होगा ही होगा, हो सकता है दो हो जाए, तीन हो जाए, मतलब कि ऐसा नहीं होगा कि सारे के सारे डायगनल अंदर ही है, एक तो कहेगा मैं तो बाहर जाऊंगा, ठीक है, तो वो क्या हो जाएगा कॉनकेव पॉलीगन होएगा। अब देखो मैं आपको, ये कॉनकेव है, एटलीस्ट वन डायगनल कहाँ चला जाए, इसके
एक्सटीरियर में चला जाए तो उसको क्या बोलते हैं, कॉनकेव पॉलीगन बोलते हैं। ये सारा कुछ मैंने लिखा हुआ है, बहुत ही आसान लैंग्वेज में लिखा हुआ है आपके लिए। अब आप देखो ये है, इसके डायगनल आप खुद देख लो, क्या इसका कोई डायगनल बाहर जाएगा? हमने अभी बनाए थे ना इसके डायगनल, एक ये बनेगा, एक डायगनल आपका ये बनेगा, फिर इससे ज्वाइन करोगे एक ये बनेगा, है ना? ये पेंटागन तो है, सॉरी ये गलत लाइन लग गई, ये वाली बीच वाली इरेज कर दो। एक आपका जो है डायगनल ये बन जाएगा और एक ये बन जाएगा, है ना? यानी कि सारे किसमें हैं, इंटीरियर में है ना, और इंटीरियर में अगर होते हैं तो इसको क्या बोलते हैं हम, कॉन्वेक्स बोलते हैं। अब कॉनकेव, कॉनकेव का देखो ऐसा डायग्राम होगा, इसमें ये बताना ये वर्टिसिज है 1 2 3 और ये पॉइंट है डी और ये पॉइंट है ई, आप कौन सा डायगनल आपको नजर आ रहा है कि जो ज्वाइन करोगे तो बाहर निकल जाएगा? एक बार आप इसको ना डी पॉइंट को कहाँ लिख दो, अंदर लिख दो, ठीक है, ताकि आपको पता लग जाए। अब आप सोचो ई को अगर सी से मैं ज्वाइन कर दूं तो ये डायगनल इस पॉलीगन का जो इंटीरियर है, देखो ये इंटीरियर है इसका, ये क्या है बच्चों, इसका इंटीरियर है ना इंटीरियर। तो क्या ये जो ब्लू वाली लाइन मैंने ड्रॉ करी है, पर्पल वाली, ये वाला, ये किस में है? इसके एक्सटीरियर में, लाइट्स इन इट्स एक्सटीरियर, तो एक्सटीरियर में है तो इसलिए ये क्या हो गया, कॉनकेव पॉलीगन हो गया। कैसे बनाओगे, जैसे मान लो एक लाइन ड्रॉ कर दी, ऐसे बना दिए दो लाइन, ठीक है, ऐसे बना दो, तो इसका ये जो डायगनल होगा ये वाला, ये बाहर है ना, ये बाहर है, बाहर है तो फिर क्या होगा ये बताओ, कॉनकेव हो जाएगा, खत्म क्वेश्चन। अब ये देखो इतनी सारी फिगर आपकी टेक्स्ट बुक में दिखा रखी है, ये सारे के सारे क्या है, कॉन्वेक्स है। कहीं पे भी आपको डाउट लगे ना, आप डायगनल ड्रॉ करके देख लेना, और ऐसा डायगनल आप बना के दिखा देना मेरे को जो बाहर निकाल दो, किसी को नहीं निकाल पाओगे, इसलिए ये सारे के सारे क्या है, कॉन्वेक्स पॉलीगन है। ये सारे के सारे क्या है, कॉनकेव। क्यों है कॉनकेव बताऊं, इसमें कौन सा डायगनल, ये वाला बाहर गया, इसमें ये वाला बाहर गया, इसमें ये वाला बाहर गया, और इसमें ये वाला बाहर गया, इसलिए सारे के सारे पॉलीगन क्या है, ये कॉनकेव है। तो कॉन्वेक्स और कॉनकेव डिफरेंस समझ आ गया। ये चैप्टर आसान इसलिए है कि इसमें ना तो कोई बहुत ज़्यादा कैलकुलेशन है, ना कोई बहुत ज़्यादा फॉर्मूले हैं, सिर्फ नाम है, डेफिनेशन है। जैसे आप अगर 50 बंदों के ग्रुप में रह लो ना, ना 4 दिन 5 दिन लगातार, और डेली उनसे बात करोगे तो क्या होगा, आपको सबके नाम याद हो जाते हैं। और फिर इसी तरह से ये है, कौन कॉन्वेक्स है, कौन कॉनकेव है, इनके भी आपको नाम याद हो जाएंगे अगर डेली थोड़ा थोड़ा इनके बारे में आप सोचोगे, अपने दिमाग के अंदर इमेज लेके आओगे कि कॉनकेव कैसा होता था, कॉन्वेक्स कैसा होता है, ठीक है। ये है, अब देख लो ये क्या है बताओ, ये आपको नाम बताना है ये कैसा है, आप तुरंत कह दोगे कॉनकेव है, क्योंकि ये दिख जाएगा आपको, है ना, जहाँ एक शार्प कॉर्नर बनेगा ना वो क्या होता है, हमेशा ही आपका कॉनकेव होता है, तुरंत ही देखते ही बता दोगे कि ये कॉनकेव है। ये कैसा है, कॉनकेव है, क्यों, क्योंकि इसको ज्वाइन करोगे तो ये कहाँ चला गया, बाहर चला गया, तो ये भी कैसा हो गया, कॉनकेव हो गया। इसको ज्वाइन करोगे, देखो ये बाहर चला गया, तो ये भी कैसा हो गया आपका, कॉनकेव हो गया। ये प्रैक्टिस के लिए दे रखी है मैंने आपको इतने सारी चीज़ें। अब देखो, अब अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट हो जाती है, एक्सरसाइज 3.1। अब इसके हम क्वेश्चन करेंगे, तो इस क्वेश्चन में देखो आपको क्या बोलता है, गिवन हेयर आर सम फिगर्स, ये सारी फिगर दे रखी है आपको इतनी सारी, आपको इसके अंदर से देख देख के ये बताना है, ये जो पांच चीज़ें हैं ना, क्लासीफाई करना है इनको। क्लासीफाई का मतलब क्या होता है, इनको ग्रुप बनाना है, इनका अलग अलग से डिफरेंट डिफरेंट इनके ग्रुप बनाने हैं। जैसे मान लो आपकी क्लास में जितने बच्चे हैं उनको हम दो कैटेगरी में क्लासीफाई कर दें, बॉयज अलग गर्ल्स अलग, किस किस में करना है, पांच पार्ट है। एक सिंपल करो, इनमें से जो सिंपल है उसको अलग कर दो, सिंपल क्लोज करो यानी कि जो सिंपल भी है और क्लोज भी है, फिर पॉलीगन जो है, फिर कॉन्वेक्स है, फिर कॉनकेव है, ठीक है। तो इसके अंदर आप जो है ना क्लासीफाई करो, पहले ए, ए में मैं लिखता हूँ क्या, सिंपल कर्व्स, इनके सबके नाम है, आठ कर्व, आठ डायग्राम है, 1 2 3 4 5 6 7 8 नाम दे रखे ना, इनमें से कौन कौन से सिंपल है। सिंपल का मतलब क्या होते हैं, जो कर्व खुद को क्रॉस नहीं करती है ना, जो खुद को क्रॉस नहीं करती। आप मेरे को बता दो इन आठ में से कौन सी आपको ऐसी दिखाई दे रही है जो खुद को क्रॉस नहीं करती, फर्स्ट नहीं कर रही ना कहीं पे भी क्रॉस, सेकंड नहीं कर रही, थर्ड, यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे, आप कहोगे सर कहाँ क्रॉस कर रही है, क्रॉसिंग पॉइंट तो है नहीं। मैं कहता हूँ सिंपल कर्व की सिंपल सी डेफिनेशन आप अपने दिमाग में रख लो, जो मैथमेटिकल डेफिनेशन नहीं है, बिना हाथ उठाए
बिना हाथ उठाए, क्या आप ये डायग्राम बना सकते हो? ये वाला बिल्कुल नहीं बना सकते। आप एक सर्कल बना दिया आपने, तो ये अंदर वाला सर्कल कैसे बनाओगे? बिना हाथ तो उठाना पड़ेगा ना, या हाथ उठाना पड़ेगा या फिर इसके टचकर्ता हो जाएगा ना, तो फिर ये आपकी सिंपल नहीं होगी। ठीक है, क्या ये बना सकते हो आप? ये तो क्रॉस ही करगी ना, ये देखो यहाँ पे क्या करगी, क्रॉस करगी, तो ये तो सिंपल है ही नहीं। ये सिंपल है ना, बना सकते हो बिना हाथ उठाए। देखना ये लो, ऐसा ही तो बना रखा है ये डायग्राम, इस तरह से बना रखा है ये। ये भी क्या है, बिना हाथ उठाए बना सकते हो, ये भी बना सकते हो, ये नहीं बना सकते। बताओ कैसे बनाओगे? ऊपर बना दिया आपने, यहाँ बना दिया, तो फिर यहाँ पे आके आपने क्रॉस करवाया ना इसको, है ना, ये क्रॉस करवाया, फिर यहाँ क्रॉस करवाया, तो ये भी सिंपल नहीं है। तो कौन कौन सी होगी? 1, 2, 5, 6 और 7, ये आपकी क्या है बच्चों, सिंपल कर्व है। तो अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट में बताऊंगा सिंपल क्लोज्ड कर्व। सिंपल क्लोज्ड का मतलब होता है जो सिंपल भी हो, जो सिंपल भी हो और क्लोज्ड भी हो। अब आप मेरे को बता दो, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में आपको करवाई थी सिंपल करो, उनके अलावा तो इसका आंसर हो ही नहीं सकता। इसमें तो बल्कि कम आएगी जो सिंपल भी हो और जो क्लोज्ड भी हो। सिंपल कौन कौन सी थी? 1, 2, 5, 6, 7, ये थी ना। और ये खुद देखो सारी सारी की सारी ये करो क्या है, क्लोज्ड भी है, इसका आंसर भी यही आएगा, 1, 2, 5, 6, 7, समझ गए? ये आपके आ रही। लेकिन अगर मान लो मैं ऐसी करो बना दूँ, तो ये बताओ क्या आएगी? ये सिंपल तो है क्योंकि क्रॉस तो नहीं कर रही, लेकिन ये क्लोज्ड नहीं है, ये क्लोज्ड बच्चों नहीं है। ठीक है, लेकिन ये सारी की सारी करो, पांचों जो मैंने टिक किए हैं ना, ये सारी सिंपल भी है और साथ साथ में आपकी क्लोज्ड भी है, तो सिंपल एंड क्लोज्ड बोथ है ये। तीसरा देखो, तीसरे में आपको क्या कहते हैं, पॉलीगन। पॉलीगन क्या होता है, दोबारा आपको मैं रिवाइज करा रहा हूँ सारी चीज़ें। पॉलीगन होता है जो क्लोज्ड भी हो, क्लोज्ड भी हो एंड मेड अप ऑफ लाइन सेगमेंट्स, जो लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हो, वो बता दो आप मेरे को, जो क्लोज्ड भी हो और लाइन सेगमेंट से मिलके बनी हो। क्या पहला है? क्या कोई भी बच्चा बता देगा? पहला है, क्लोज्ड भी है और इसकी जो सारी बाउंड्री है ना, देखो ये वाली बाउंड्री लाइन, ये क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। इसी तरह से ये, इसी तरीके से ये, है ना, ये सारी की सारी क्या है बच्चों, लाइन सेगमेंट है ये, पांचों की पांचों, ये हो गया। सेकंड वाला दिख रहा है, क्या ये है? ये नहीं है ना, क्योंकि ये क्लोज तो है लेकिन ये सिंपल लाइन सेगमेंट नहीं है ना। ये बताओ ये क्या पॉलीगन है? ये पॉलीगन नहीं हो सकती। क्यों पॉलीगन नहीं हो सकती? क्योंकि देखो कितनी जगह पे क्रॉस कर रही है एक दूसरे को, है ना, तो ये कितनी जगह पे क्रॉस कर रही है, तो ये पॉलीगन आपकी नहीं होगी, क्रॉस नहीं करना चाहिए ये, क्योंकि लाइन सेगमेंट ही नहीं है। ये नहीं है क्योंकि ये कहाँ लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट नहीं है ना, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये हिस्सा देखना, ये सर्कल जैसा हिस्सा है, ये कहाँ लाइन सेगमेंट है, ये नहीं है। क्यों? क्योंकि ये कहाँ लाइन सेगमेंट है। पहली दो कर्व ऐसी है जो क्या है बच्चों, पॉलीगन है। अब देखो आपका टी पार्ट, अब ये इंपॉर्टेंट है, टी पार्ट में है कॉन्वेक्स पॉलीगन। आप मुझे बताओ इन सारी डायग्राम में से पॉलीगन कौन कौन से है? आप कहोगे सर पहले दो पॉलीगन है ना, ये क्या है आपके, पॉलीगन है, अभी थर्ड पार्ट में हमने पढ़ा था। कॉन्वेक्स पॉलीगन आपने चेक करने हैं, क्या आप इस फिगर को चेक करोगे? क्या आप इसको चेक करोगे? क्या इसको चेक करोगे? क्या इसको चेक करोगे? क्या इसको करोगे? क्या इसको करोगे? आप कहोगे सर आपने अभी कहा कि कॉन्वेक्स पॉलीगन ढूंढो, कॉन्वेक्स पॉलीगन के लिए उसका पॉलीगन होना तो जरूरी है। जैसे मान लो मैं आपको कहूँ आपकी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट लड़का ढूंढो, तो क्या आप लड़कियों में सर्च करोगे? आप कहोगे सर आपने कंडीशन लगाई है इंटेलिजेंट लड़का, तो पहले वो लड़का तो होना ही चाहिए, उसमें से देखेंगे कौन इंटेलिजेंट है। ठीक है, तो इसका मतलब कॉन्वेक्स पॉलीगन का मतलब वो पॉलीगन तो होना ही चाहिए ना, पॉलीगन तो जरूरी है, उसमें से कौन सा कॉन्वेक्स है वो ढूंढेंगे। यानी कि पॉलीगन तो इसमें लिख लेना, पॉलीगन तो होना ही चाहिए ताकि पेपर में आपका टाइम बचे, है ना। यानी कि सिर्फ सिर्फ 1, 2 में से देखना है, 1, 2 में से देखना है। क्यों? क्योंकि 1 और 2 ही तो पॉलीगन है, बाकी तो कोई पॉलीगन है ही नहीं। इसमें से कॉन्वेक्स देख लो, क्या पहले वाला कॉन्वेक्स है? क्या ये नहीं है? ये है कॉन्वेक्स। क्या होता है? जिसके सारे डायगनल क्या हो, जिसके सारे डायगनल्स कहाँ हो, इंटीरियर में, यानी कि उसके अंदर हो। इसका डायगनल देखना, ये बना दूं मैं अंदर का है, ये तो बाहर चला गया ना, ये है सारे के सारे डायगनल, दो डायगनल है इसके, 1 और 2, ये काइट है। ये क्या है बच्चों? काइट है। इसके दोनों डायगनल कहाँ पे है? अंदर है, तो ये एकमात्र ऑप्शन है इसका, कौन सा? 2।
ये आंसर आ जाएगा बस। फिर देखो आपका कॉनकेव, तो कॉनकेव जो कॉनकेव कौन सा है, फिर ये वन है ना, ये आपका क्या है, कॉनकेव है, देखो बाहर चला गया, ये कॉनकेव नहीं है, इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका, वन आ जाएगा, खत्म क्वेश्चन बस। अब देखो सेकंड क्वेश्चन, हाउ मेनी डायगनल्स डज ईच ऑफ द फॉलोइंग हैव। एक नंबर का क्वेश्चन आएगा ये पेपर में, कि तीन क्वेश्चन हैं, इनके आपको क्या बताने हैं, नंबर ऑफ डायगनल बताने हैं, क्या बताने हैं बच्चों, नंबर ऑफ डायगनल्स, नंबर ऑफ डायगनल। आप बताओ कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल अपना लो, क्वाड्रिलेटरल है वो, कॉन्वेक्स हो चाहे कॉनकेव हो आपको कोई मतलब नहीं है, ठीक है, एक क्वाड्रिलेटरल बना लो आप, क्वाड्रिलेटरल के कितने डायगनल होते हैं आप खुद बता दो, दो ही होते हैं, एक ये और एक ये, कितने डायगनल होते हैं इसके, दो, आंसर कितना आ गया आपका, टू। अच्छा कॉनकेव बना के देखें, पर कॉनकेव क्वाड्रिलेटरल कॉनकेव कैसा बनाओगे, मान लो हमने क्या बना दिया, कॉनकेव आप बना सकते हो क्या, कॉनकेव मान लो हमने क्वाड्रिलेटरल कॉनकेव अगर हम बनाना चाहें उसके डायगनल, कॉनकेव वैसे इसमें बना नहीं सकते हम, क्या बनेगा कम से कम, ये इसकी पांच साइड हो जाएगी ना, एक दो तीन चार और फिर ये पांच, इस तरह से, तो कॉन्वेक्स का ही क्वेश्चन आएगा आपके एग्जाम में। अब देखो बी पार्ट, रेगुलर हेक्सागन, आप मेरे को बताओ हेक्सागन में कितने डायगनल होते हैं, नंबर ऑफ डायगनल्स, आपको रेगुलर से भी कोई मतलब नहीं है, मैं बताऊंगा अगले लेक्चर में कि रेगुलर पॉलीगन कौन से होते हैं, आपको हेक्सागन से मतलब है, ठीक है, रेगुलर वैसे होता है जिसकी सारी साइड क्या हो, इक्वल हो और सारे एंगल इक्वल हो, नंबर ऑफ डायगनल हेक्सागन में कितने होते हैं बताओ, नाइन, कैसे प्रूफ करूँ, मैं प्रूव कर देता हूँ इसको, ठीक है, नंबर ऑफ साइड, नंबर ऑफ साइड्स यानी कि एन, एन कितना है हेक्सागन में, कितनी साइड होती है, छः, तो आपका फॉर्मूला रिवाइज हो जाएगा, बताओ नंबर ऑफ डायगनल्स कितने होते थे, एन एन माइनस थ्री डिवाइड बाय टू, यानी जितनी साइड है उसमें से तीन माइनस और करके लिख दो और टू से डिवाइड कर दो, सिक्स थ्री जा 18, और 18 को टू से डिवाइड करोगे 9, ठीक है, तो मान लो पेपर में दो नंबर का क्वेश्चन आ गया तो फिर आपको सीधा आंसर नहीं लिखना, आपको प्रूव करके दिखाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो थर्ड में ट्रैंगल, क्या ट्रैंगल में कोई डायगनल होता है, क्या लिखेंगे, ए ट्रैंगल हैज नो डायगनल, इसमें तो होता ही नहीं ना, ए ट्रैंगल हैज नो, ये आपका था सेकंड क्वेश्चन। अब देखो क्वेश्चन नंबर थ्री, इसमें कहता है व्हाट इज द सम ऑफ द मेजर्स ऑफ द एंगल्स ऑफ ए कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल, ये एक कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल है, ये क्वाड्रिलेटरल है जिसके सारे डायगोनल क्या होंगे, अंदर होंगे, इसमें कहता है जितने भी इसके एंगल है उनका सभी का सम कितना होता है, मैं अगले लेक्चर में वैसे तो आपको बहुत डिटेल में बताऊंगा, लेकिन क्वेश्चन अगर आपके एग्जाम में आ ही गया ये वाला, आपको पता है क्वाड्रिलेटरल के चारों एंगल का सम कितना होता है, 360, कितना होता है बच्चों, 360 होता है, ठीक है, ये क्या होता है, हम लिखेंगे सम ऑफ ऑल फोर एंगल्स, ऑल फोर एंगल्स वो कितना होता है, 360 डिग्री होता है, ठीक है, आंसर हो गया। अब ये कहता है विल दिस प्रॉपर्टी होल्ड इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, ये कॉन्वेक्स हो चाहे ना हो, चाहे कॉनकेव हो, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता, एंगल का सम जो इंटीरियर एंगल है, जो इसके अंदर एंगल बने हुए ना ये सारे के सारे, इनका सम हमेशा कितना होगा, 360 ही होगा, क्या लिखेंगे, यस इफ द क्वाड्रिलेटरल, इफ द क्वाड्रिलेटरल इज नॉट कॉन्वेक्स, अगर ये कॉन्वेक्स नहीं भी होगा देन स्टिल, या स्टिल द सम ऑफ इट्स इंटीरियर एंगल्स कितना होगा, वो भी 360, हिंदी में लिखना चाहो तो ऐसे लिख लेना, अगर कोई क्वाड्रिलेटरल कॉन्वेक्स नहीं भी है यानी कि वो कॉनकेव भी है तब भी उसके एंगल का सम कितना होगा, 360 डिग्री होगा, कॉन्वेक्स क्वाड्रिलेटरल आप ऐसा बना सकते हो, तब मेरे दिमाग में नहीं आ रही थी एक बात, ऐसे बना दो और इसको ऐसे बना देते हैं, ठीक है, ये हो गया, ये आपका क्या है, कॉन्वेक्स है ना। अब बताओ इसके अंदर जो डायगनल पूछा था, मान लो डायगनल इसके कितने डायगनल बनेंगे, दो ही बनेंगे, एक तो ये बनेगा डायगनल है ना, और एक ये बनेगा, एक अंदर है और एक बाहर है, लेकिन बनेंगे कितने, दो ही बनेंगे ना, तीसरा तो बन ही नहीं सकता, तो इसके इसके भी डायगनल कितने होते हैं, दो, यानी कि क्वाड्रिलेटरल कोई भी हो उसके डायगनल कितने होंगे, दो ही होंगे, और इसमें जो हमने बनाया था, देखो डायग्राम ये हमने बनाया था ऐसे करके, और ये इसमें चारों एंगल का सम, चार एंगल कौन से, एक
और आपका जो है दो और ये तीन और ये चार, इनका सबका सम कितना होगा 360 होगा। सम के लिए आप याद रख लो कॉन्वेक्स कौन के उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, क्वाड्रिलेटरल कैसा भी हो वो क्या होगा बच्चों आपका 360 डिग्री ही होगा। ठीक है, आज के लेक्चर में हमने सारी चीज़ें तो बेसिक सीख ली और एक्सरसाइज 3.1 के हमने पहले तीन क्वेश्चन डिस्कस किए हैं। मैं ये नहीं है कि बिना कोई रूल बताए और आपको सिर्फ क्वेश्चन करा दूँ, क्योंकि उससे आप क्वेश्चन के रट्टे मारना सीख जाओगे, लेकिन नेक्स्ट क्लास में जब वो चीज़ें यूज होगी ना तो आप अच्छे से उनको पढ़ नहीं पाओगे। तो इसलिए हम सारी चीज़ें डिटेल में पहले सीखेंगे बहुत अच्छे तरीके से, और फिर आप जो है क्वेश्चन सोल्व करोगे ना आपको हमेशा ऐसा लगेगा कि ये सारी चीज़ें तो हम पहले सीख चुके हैं क्वेश्चन सोल्व करने से पहले। तो हम पहले उसकी डिटेल पढ़ेंगे, कॉन्सेप्ट सीखेंगे, फिर हम क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, बाकी बचे हुए क्वेश्चन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कराऊंगा। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, बाय बाय, टेक केयर।